चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे यूनिट वन का, ये प्रवर्तक कौन है, हू इज प्रमोटर, और प्रमोटर जो है प्रवर्तक का वैधानिक स्थिति मीन्स लीगल जो स्टेटस है एक प्रमोटर का वह क्या होता है, और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं कंपनी के लिए, दायित्व क्या क्या होते हैं कंपनी के लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें इसके अलावा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है कि एक पब्लिक कंपनी के निर्माण के लिए मीन्स एक सार्वजनिक कंपनी को बनाने के लिए प्रवर्तन से लेकर प्रमोशन से लेकर बिजनेस को स्टार्ट करने तक अगर आप एक प्रमोटर हैं, अगर आप एक प्रवर्तक हैं, तो क्या क्या स्टेप्स आप लेंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे, व्हाट आर द स्टेप्स विल बी टेकन बाय अ प्रमोटर कंपनी को प्रमोट करने के लिए, निर्माण करने के लिए आप क्या क्या स्टेप उठाओगे, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो ये इसका आंसर है। तो इसका एक प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि एक कंपनी को बनाने में बहुत ही लंबा समय लगता है, बहुत से स्टेप से चरणों से होकर गुजरना होता है। अगर आपको एक कंपनी बनाना है तो आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें पहला स्टेप आपका होता है प्रमोशन मीन्स प्रवर्तन, और इस प्रमोशन को करने के लिए, प्रवर्तन को करने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की जरूरत पड़ती है, पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जिसे हम प्रमोटर कहते हैं। तो व्यक्तियों के समूह को प्रमोटर कहा जाएगा, एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। तो ये लोग जो होते हैं यही लोग व्यापार के संचालन संबंध में परिकल्पना करते हैं, कैसे व्यापार को चलाना है, कैसे बिजनेस को करना है, इसके संबंध में ये लोग एक प्लान बनाते हैं, और इसके लिए बहुत सारे औपचारिकताओं को पूरा ये करते हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं, और इनका अपना एक लीगल स्टेटस होता है, कानूनी स्थिति होती है प्रवर्तकों की, कुछ दायित्व भी होते हैं, कुछ कार्य भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं, है ना, कुछ लीगल स्टेटस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, वर्क भी है, राइट्स भी हैं, एंड उनकी ड्यूटीज भी हैं कुछ। तो जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करते हैं, इसका हम स्टडी इस चैप्टर में करते हैं, जरूरी है इसको पढ़ना। इंट्रोडक्शन पार्ट ये कहना चाहता है इन शॉर्ट कि कंपनी को बनाने में लंबा समय लगता है, बहुत से प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहला प्रोसेस प्रवर्तन है, प्रमोशन है, जो प्रमोटर्स करते हैं और बहुत सारे इसके लिए फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। प्रमोटर्स का अपना लीगल स्टेटस, कानूनी स्थिति होता है, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, पावर, बहुत सारी चीज़ें इनकी होती हैं, दायित्व, कार्य, कर्तव्य। तो ये सब चीज़ों को आप याद रखकर इंट्रोडक्शन को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मीनिंग देखा जाए तो प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, प्लानिंग करता है कंपनी के फॉर्मेशन का, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम आदि तैयार करता है, और उसका पंजीयन भी करवाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर बनाने का काम करता है और उसका रजिस्ट्रेशन कराता है, और संचालकों को भी चुनता है कि डायरेक्टर्स कौन होंगे, इनको भी सेलेक्ट करने का काम करता है ये, और साथ ही साथ बहुत से एग्रीमेंट अनुबंध बनाने का काम भी करता है, अनुबंध संबंधित विवरण पत्रिका भी बनवाता है, जो एग्रीमेंट हुआ उससे रिलेटेड एक मैनुअल वो बनवाता है और उसको प्रकाशित प्रिंट करवाता है, और उसके अलावा पूंजी अगर जो कैपिटल की जो जरूरत होती है उसको इकट्ठा करने का भी काम ये करता है। किसी विशेष उद्देश्य एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर कंपनी को ये बनाता है प्रमोटर जो है, और उन उद्देश्यों को पाने के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं, आवश्यक कदम उठाने हैं, वो उठाता है। तो इन शॉर्ट मीनिंग में चीजें लिखी हुई है कि बंदा ऐसा व्यक्ति जो निर्माण कंपनी और निर्माण का योजना बनाएगा, प्लानिंग करेगा, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह तैयार करवाएगा, और रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा, पंजीयन करवाएगा, संचालक डायरेक्टर्स को चुनाव करेगा,
एग्रीमेंट करवाएगा, एग्रीमेंट प्रिंटेड करवाएगा, कैपिटल पूंजी को वो इकट्ठा करवाएगा, अरेंज करेगा और एक एम के साथ काम करेगा, उस उद्देश्य उस एम उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो भी स्टेप्स है वो लेगा। परिभाषा डेफिनेशन आपके बुक में जो डेफिनेशंस मिलेंगे उसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक दो डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक न्यायाधीश बोबेन के अनुसार और दूसरा लिखा है हमने लॉर्ड एन जे लिंडले के अनुसार। तो ये आपको अगर इंट्रोडक्शन और मीनिंग समझ में आया है तो परिभाषा आपको याद हो जाएगी, डेफिनेशन आपको याद करना है। एक और लिखा हमने न्यायाधीश कॉकबर्न के अनुसार, तो वही सब बातें इनके परिभाषा में भी मिलेगी जो आपने अभी ऊपर मीनिंग में पढ़ा है दूसरे तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि प्रमोटर्स का रोल क्या है, क्या उनका आप कह सकते हो कि जो कंपनी स्टार्ट करना है, बिजनेस चालू करना है, उस पर उसकी भूमिका या कार्य क्या होगा, प्रमोटर्स क्या अपना रोल प्ले करेगा कंपनी को स्टार्ट करने में। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया याद करने का, उस तरीके से कर लीजिए। पहला काम वो करेगा कंपनी का निर्माण करने का, एक तो परिकल्पना, एक अजम्पशन, बिजनेस स्टार्ट करने का, कंपनी स्टार्ट करने का एक माइंड में एक अपने वो अजम्पशन लेके आएगा, परिकल्पना लेकर आएगा, जो योजना बनाएगा, योजना कैसे बनाना है उसके लिए वो माइंड में एक ब्लूप्रिंट बनाएगा, फिर इसके लिए कुछ लोगों को जोड़ेगा अपने साथ, व्यक्तियों को जोड़ेगा जितने उसके रिक्वायरमेंट पर्सन उसको लगते हैं, उन लोग को जोड़ने का, उनको अपने साथ मिलाने का काम करेगा। तो सबसे पहले प्लानिंग संबंधित काम करेगा, फिर लोगों को जोड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग दो चीज़ आ रही है। कि सबसे जो पहला उसको जो डायरेक्टर बनाना है उसको वो खोजेगा, उसको सर्च करेगा और उससे कंसेंट लेगा, सहमति प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद कंपनी का नाम का निर्धारण करेगा कि क्या नाम रखना है कंपनी का। तो ये दो पॉइंट एक साथ याद रखिए, डायरेक्टर को खोजना, कंपनी का नाम सोचना, ऊपर का दो पॉइंट हो गया परिकल्पना करना योजना का कंपनी निर्माण की, और फिर लोगों को ढूंढना, पर्सन को ढूंढना आवश्यक। उसके बाद नेक्स्ट टू पॉइंट है प्रस्तावित कंपनी के दस्तावेज तैयार करवाना, तो डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा, ये जो कंपनी सोच रहा है वो बनाने की उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाएगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराएगा। इसके बाद बैंकर है, दलाल है, कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करेगा, क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने हैं बैंक के माध्यम से, तो बैंकर कौन होगा, उसके दलाल कौन होंगे, लीगल जो उसको अथॉरिटीज उसके पास उसको कौन उसके कह सकते हो आपकी सलाहकार होंगे, लीगल रिलेटेड मैटर्स पे कौन उसको एडवाइस देंगे, तो उन लोग की भी नियुक्ति को करनी होगी। इसके बाद परिसंपत्तियां आदि प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक अनुबंध करना, मीन्स एसेट्स अगर उसको कहीं से लेने हैं तो उसके लिए कहाँ कहाँ एग्रीमेंट करने होंगे ये करना होगा, विभिन्न विक्रेताओं के साथ प्रारंभिक करार एग्रीमेंट करना है, जो सेलर्स जिनके थ्रू वो बिजनेस करेगा उनके साथ एग्रीमेंट करेगा। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स ने बनाए हैं उसको पंजीयन करता रजिस्ट्रार के पास क्या करेगा, वो जाकर जमा करेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो फिर से देख लीजिए आप, दो दो पॉइंट करके हम जैसे याद करते हैं हमेशा, तो दो दो का ग्रुपिंग बना लिए हैं और पॉइंट्स यहीं पे याद कर लीजिए। प्लानिंग है पहला कि लोगों को जोड़ना है, फिर डायरेक्टर ढूंढेगा, निर्देशक ढूंढेगा, वो कंपनी का नाम क्या होगा ये डिसाइड होगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएगा, बैंकर्स, ब्रोकर, दलाल, कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर, ये सब ढूंढेगा वो, फिर आगे एसेट्स अगर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, अनुबंध वाले हैं, परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, और सेलर्स अलग अलग सेलर्स होंगे उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर अपने पंजीयन करा लेगा, अपने जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए थे ऊपर उसका क्या कराना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब यही सब बातें यहाँ डिटेल में लिखी हुई हैं। पहला है कंपनी के गठन या निर्माण संबंधी योजना की परिकल्पना, तो प्लानिंग वाला जो पॉइंट है आप इसमें आप डिटेल में देख सकते हो। इसमें वो यही सब सोचेगा कि
ये सबसे पहला बंदा होता है जो योजना बनाते हैं, प्रमोटर जो व्यक्ति होता है उनके दिमाग में एक आइडिया होता है, और सबसे फर्स्ट पर्सन होते हैं जिनके माइंड में कंपनी के निर्माण संबंधित, फॉर्मेशन संबंधित विचार आते हैं। अब वो विचार आने के बाद ये सोचता है कि आवश्यक जांच पड़ताल करते हैं, कि देखते हैं कि जो आइडिया आ रहा है उससे हम जो काम करेंगे, कंपनी बनाएंगे, तो आगे चल के हमको कितना उससे लाभार्जन हो सकता है, इसकी क्षमता क्या लाभार्जन की, कितना हमको आगे चल के प्रॉफिट होगा नहीं होगा। और उसके बाद सोचता है कि अगर उसको लगता है कि हाँ प्रॉफिट होगा, बढ़िया अच्छा चल सकता है, तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो भी उसको रिक्वायरमेंट रिसोर्सेस की हैं, आवश्यक संसाधन की जो आवश्यकता है उसको ढूंढेगा, उसको एकत्रित करेगा, संगठित करेगा, जिससे क्या करेगा, ये सब करने के बाद ही जो उसके मन में सोच है, एक आइडिया है, उसको रियलिटी में वो बदल सकता है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकंड को डिटेल देख लिया जाए, आवश्यक व्यक्ति जोड़ेगा, अब उसने रिसोर्सेस तलाश किया, उसको जो लोगों की जरूरत पड़ रही है उसने लोगों को ढूंढेगा वो, और साथ ही साथ क्या करेगा, फिर उनको अपने साथ जोड़ना प्रारंभ करेगा, लोगों का ग्रुप बनाना चालू करेगा, क्योंकि तो एक सिंगल पर्सन कोई काम नहीं कर सकता, उसको लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। कंपनी दो टाइप की होती है, आपको पता ऑलरेडी, बेसिकली दो टाइप की होती है, प्राइवेट और सार्वजनिक, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो अगर अगर सार्वजनिक कंपनी बनाई जा रही है, पब्लिक कंपनी बना रही है, तो न्यूनतम 7 लोगों को उसको अपने साथ जोड़ना होगा, और प्राइवेट कंपनी अगर बनाई जा रही है तो मिनिमम 2 लोगों को अपने साथ को जोड़ना होगा। फिर थर्ड अपने पढ़ा है, फर्स्ट डायरेक्टर, प्रथम निदेशक को ढूंढना और उसका कंसेंट लेना। तो अधिकतर क्या होता है, जो प्रवर्तक होते हैं वही फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, है ना, लेकिन क्योंकि उनके माइंड में वो आइडिया आया है, उनकी कंपनी बनने जा रही है, तो खुद ही वो डायरेक्टर बन जाते हैं। लेकिन आप चाहो तो किसी और को भी, जो इसमें और भी अच्छी क्वालिटी है, जो योग्य है, उसको भी आप ढूंढ सकते हो, और उसको आप क्या बना सकते हो, फर्स्ट डायरेक्टर बना सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि जिसके मन में आइडिया आया है, प्रमोटर के मन में आइडिया आया कंपनी चालू करने का, तो वही डायरेक्टर बने, वो डायरेक्टर बन सकता है, मोस्ट ऑफ द कंपनी में वही डायरेक्टर बनता है, वही संचालक बनता है। लेकिन अगर इसके लिए आपको लग रहा है कि किसी और को बनाना चाहिए, तो जिसके पास एक एडिक्वेट क्वालिफिकेशन है, उचित योग्यता है, उसको भी आप फर्स्ट जो डायरेक्टर है, प्रथम निर्देशक के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद कंपनी का नाम भी सोचना है, तो कंपनी का नाम पर निर्धारण किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रमोटर है वो रजिस्ट्रार से क्या लेगा, अनुमति लेगा। उसके बाद फिर कंपनी के 3 नामों का सुझाव देते हैं, जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के पास वो 300 नाम लेकर जाएगा, और इन नाम को चेक किया जाएगा। रजिस्ट्रार देखता है कि भाई इस नाम से कोई दूसरे कंपनी भी ऑलरेडी चल तो नहीं रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे नाम लेकर जाइए जिसके नाम दूसरे कंपनियों के नाम के साथ मैच ना कर रहे हों। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसके बेस पे जब रजिस्ट्रार चेक करता है, उसको लगता है कि हाँ नहीं ठीक है, इस नाम से दूसरी कंपनियां, दूसरे बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो 3 में से कोई एक नाम वो आपको क्या कर सकता है, जो आप 3 नाम सोच कर गए थे वो आपको अलॉट कर सकता है। अब करना ये है अगला, कि आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने, जो कंपनी का प्रस्ताव आ गया है उसको क्या बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है। तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा, किस टाइप के डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे, तो जो आपके सीमा नियम, अंतर नियम, जो आप एक रूल्स रेगुलेशन जो बना रहे हो कंपनी को चलाने के लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर जो होता है, उसको आपको फाइल करवाना होगा, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो इसको आपको जमा करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, जिससे कि आप क्या कर सको, रियल में अपने कंपनी को उसका अस्तित्व बना सको। इसके साथ साथ इसको बनाकर इसका छपाई, प्रिंटिंग वगैरह भी आपको कराना जरूरी है। इसके बाद बैंकर, दलाल एवं कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति। सब पॉइंट्स हम ऊपर ऑलरेडी याद कर चुके हैं, अब एक एक बार डिटेल देख रहे हैं।
जितनी चीज आपको समझ में आती है आप उसको ध्यान रखिए और अपने मन से आपको अपने लैंग्वेज में डिटेल लिखना होता है। यहाँ सिर्फ समझना है, पॉइंट्स को याद कर लेना है। बैंकर, दलाल एंड कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति, मीन्स बैंकर, ब्रोकर एंड लीगल एडवाइजर का जो है सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट्स कह सकते हो। तब ये ऊपर की बातें हो गई हैं तो क्या करेगा वो, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा हो चुका है, अब उसको एक अपने लीगल एडवाइजर को नियुक्त करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत पड़ते रहती है कंपनीज में, लीगल मैटर बहुत सारे होते रहते हैं जिसके लिए उसको अपने पास एक कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर रखना होगा। इसके साथ साथ जिस बैंक के माध्यम से उसके कार्य होंगे, लेन देन होगा, ब्रोकर के थ्रू जो लेन देन होगा, इन लोगों का भी उसको क्या करना पड़ेगा, नियुक्ति करना होगा। इसके बाद है परिसंपत्तियों की प्राप्ति हेतु प्रारंभिक अनुबंध करना, तो यहाँ एग्रीमेंट वाले पॉइंट आ गए हैं। एसेट्स आपको चाहिए, जैसे मशीन है, प्लांट है, ये सब आपको परचेस करना है, क्रय करना है, तो आपको बहुत से निर्णय लेने होंगे और एग्रीमेंट्स करने होंगे। कई बार क्या होता है, कोई बिजनेस चल रहा है उस टाइप का, जो आपके मन में आइडिया आया जिस बिजनेस का, हो सकता है उसी टाइप का कोई बिजनेस चल रहा है, और वो बिजनेस अगर वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बेचना चाहता है तो आप चाहो तो उसी के बिजनेस को खरीद लो, चालू व्यवसाय को आप उसी के बिजनेस को खरीद लो, उसके संपत्तियों को खरीद लो। तो आपको अगर ऐसा आप कुछ काम कर रहे हो कि किसी के बिजनेस को आप खरीद ले रहे हो, अपने में मिला ले रहे हो, तो आपको उसके लिए कुछ एग्रीमेंट्स करने होंगे उसके परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए। तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको देखना है कि फैक्ट्री कहाँ पे लगाना है, उसका एक सही प्लेस क्या होगा, मशीनें कौन कौन सी लाई जाएगी, प्लांट कौन कौन से लगेंगे, तो ये सब के संबंध में तो आप निर्णय लेते ही हो, एग्रीमेंट करते ही हो, वेरियस एग्रीमेंट्स आपको करने होते हैं, अनुबंध करने होते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे के कंपनी को खरीद रहे हो तो भी उस कंडीशन में आपको बहुत से अनुबंध करने होते हैं। इसके बाद विभिन्न विक्रेताओं के साथ प्रारंभिक करार, अलग अलग सेलर्स होंगे, सबके साथ इनिशियल एग्रीमेंट, अनुबंध आपको करना होता है। जैसे कि आपको कुछ खरीदना है, बेचना है, कब खरीदा जाएगा, कब बेचा जाएगा, कब तक आप किसी सेलर से सामान खरीदोगे, है ना, और किस प्रकार से खरीदोगे, कौन आपका सप्लायर होगा। अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो एक सप्लायर से आप कितने सालों तक सामान खरीदोगे, किस कंडीशन में सामान नहीं खरीदोगे, तो ये सब आपको उसके साथ क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है। इसके बाद जो भी आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, ऊपर जो आपने पढ़े, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार पंजीयनकर्ता जिसको बोलते हैं, कि वह व्यक्ति होता है जो आपके कंपनी को रजिस्टर करता है, जो ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रार के पास, जिस शहर का रजिस्ट्रार है, जहाँ जो ऑफिस है वहाँ को जाना पड़ेगा, और बहुत जो भी शुल्क उसमें लगते हैं, जैसे पंजीयन शुल्क है, स्टाम्प शुल्क है, और जो उस पर एक्सपेंसेस हैं, ये सब आप प्रवर्तक को, प्रमोटर को खुद को करना होगा। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि समय से पहले आप काम को कर लो, और जैसे आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो जितना समय मिला है कार्य को चालू करने के लिए, उस बीच आप काम को भी चालू कर लो। जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद कुछ समय दिया जाता है कि अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप इतने समय में अपने कंपनी के काम को चालू कर सकते हो, तो दिए हुए समय में फिर आप काम को चालू भी कर दो। तो ये प्रोसेस है, एक प्रवर्तक को ये सब काम करने होते हैं अगर वो कंपनी का निर्माण करना चाहता है, कंपनी को बनाना चाहता है। इसके बाद इसी में आंसर है कि क्या लीगल पोजीशन है प्रमोटर का, तो प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति क्या है, तो एक पैराग्राफ के फॉर्म में है ये, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है प्रवर्तकों के दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स, क्या क्या इसके लायबिलिटीज हैं, इसी में आंसर है, क्योंकि ये कंप्लीट आंसर है और यहाँ से आपको कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलिए अभी नेक्स्ट आंसर को देखा जाए, जो कि है लीगल पोजीशन। तो भाई आपने देखा कि कंपनी का गठन, निर्माण, फॉर्मेशन में इसका मेन रोल होता है, अहम भूमिका होती है, तो इसलिए इसका लीगल स्टेटस है वो क्लियर है, क्योंकि इसी ने कंपनी को
बनाया है, इसको प्रमोट किया है, तो ये लोग मगर जिसने कंपनी का फॉर्मेशन किया है वो कंपनी के एजेंट भी नहीं होते और ना ही ट्रस्टी होते हैं। एजेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि अभी उनका जो प्रधान है, कंपनी जो है वो मेन है, मेन क्या है, कंपनी है, कंपनी के बिहाफ में वो काम करते हैं, तो कंपनी अभी बना ही नहीं है, कंपनी बना ही नहीं है तो ये एजेंट कैसे कहलाएंगे कंपनी के, कंपनी बनने के बाद कंपनी के एजेंट कहलाएंगे, कंपनी बना नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। और ट्रस्टी इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ट्रस्ट उसने नहीं बनाया है। ट्रस्ट क्या होता है, जब कोई एनजीओ टाइप का कोई काम होता है, लोग ट्रस्ट बनाकर काम करते हैं, तो ट्रस्ट तो बना नहीं रहा, कंपनी बना रहा है, तो ना तो अभी कंपनी बनी है ना ही वो ट्रस्ट के रूप में कंपनी को बना रहा है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ना ही वो एजेंट है ना ही वो ट्रस्टी है। अब आगे अपन ये कह सकते हैं कि उसका लीगल पोजीशन बताने के लिए, कानूनी स्थिति को बताने के लिए हम कह सकते हैं कि कंपनी के बीच में और उसके प्रवर्तक के बीच में, कंपनी और प्रमोटर के बीच में एक वैश्वासिक संबंध होता है, मतलब विश्वास का संबंध होता है, एक कह सकते हो कि एक बिलीफ का संबंध होता है। विश्वास से संबंध का मतलब यही है कि एक दूसरे पर क्या करना, विश्वास रखना। यहाँ पे आप मेन फैक्ट को, तथ्यों को प्रकट कर देते हो, आपको कर देना चाहिए। तो वैश्वासिक स्थिति होने के कारण ये जरूरी है कि कंपनी से किसी भी, कोई भी हो जाए प्रवर्तक प्रमोटर, हिडन प्रॉफिट जो है बिना कंपनी के कंसेंट को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, हिडन प्रॉफिट नहीं ले सकता, गुप्त लाभ बिना कंपनी के अनुमति के सहमति के नहीं ले सकता, कंपनी के आड़ में कोई गलत काम वो नहीं कर सकता। इसमें जस्टिस लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा है, लिंडले एंड विक पुल आयरन और कंपनी वेस बर्ड 1866 के केस में एक केस हुआ था, इसका लिंडले एंड विक पुल आयरन और कंपनी वेस बर्ड 1866 में, इसमें प्रवर्तक का स्थिति बताया गया, उसका कंडीशन बताया गया है, उसका लीगल पोजीशन बताया, इस टाइप से बताया, तो ये लिखा गया कि जो प्रमोटर है कंपनी को बनाने से पहले ना ही कंपनी का एजेंट है ना तो ट्रस्टी होता है, हमने ऊपर समझा है, फिर भी उसका विशेष स्थिति देखते हुए एजेंसी व न्यास के पुराने कानूनी सिद्धांत का विस्तार किया है। तो एजेंसी का कॉन्सेप्ट है, उसको क्या किया, इसने विस्तार किया है और ऐसे मामलों को पूरा करने में उचित विस्तार किया है। और आगे ये कहा है कि प्रवर्तक ने कोई भी धन गुप्त रूप से प्राप्त नहीं किया है, वही सब बातों को इनके जो केस लॉ है उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रवर्तक जो प्रमोटर है कोई हिडन पैसे नहीं लेगा कंपनी से, ये जरूरी है कि कंपनी के आड़ में वो कुछ गलत काम करके पैसे ना कमाए, ये उसका एक लीगल पोजीशन, अगर ऐसा करता है तो गलत है ना, तो इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा इन चीज़ों के लिए, अगर वो गलत तरीके से पैसे अर्न करता है कंपनी के नाम से तो वो गलत होगा। वैसे ही एक एजेंट और प्रधान या न्यासी और धर्मस्व प्राप्तकर्ता का संबंध होता है, तो खैर ये चीजें कुछ थोड़ा कठिन टाइप की हो गई है वर्ड्स, तो आप इसको मत कीजिएगा, बस छोट इसको शॉर्ट में आप लिख दीजिए कि इस केस में भी यही बातें हुई थी कि किसी भी प्रकार का हिडन प्रॉफिट कंपनी से वो कंपनी के सहमति के बिना, कंसेंट के बिना नहीं ले सकता, तो ये चीज़ों को आपको लिखना रहेगा। ज़्यादा आप उसको कानून के भाषा में पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट आप भूल जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि इसको अपने शब्दों में जमा कर आप लिखेगा। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं, प्रवर्तकों का लाइबिलिटी दायित्व क्या होता है, तो उसके दायित्व निम्नलिखित हैं। पहला, विभिन्न विषयों व रिपोर्टों का वर्णन क्योंकि धारा 26 में वर्णित है तो प्रविवरण में शामिल करना पड़ेगा, इसको प्रॉस्पेक्टस होता है प्रविवरण, इसमें आपको सेक्शन 26 में जो भी बातें लिखी गई है उसको आपको अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, इसको याद रखना है आपको, अगर इन प्रावधान का आप पालन नहीं करते हो तो प्रवर्तकों को सेक्शन 35 के अंतर्गत हर जाना देना पड़ता है, तो दो सेक्शन है,
सेक्शन 26 धारा 26 के बातों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, आपका दायित्व है, इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा प्रविवरण में, प्रॉस्पेक्टस में। और ऐसा नहीं करने से सेक्शन 35 में जो भी हरजाना कंपनसेशन लिखा है उसके लिए प्रवर्तक रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंड एबिलिटी है, सेक्शन 35 के हिसाब से अगर कुछ भी असत्य गुमराह करने वाली बातें आप प्रॉस्पेक्टस में लिखते हो तो क्या होगा, प्रविवरण में लिखने से उसके लिए प्रवर्तक उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा। उस पे उसने प्रविवरण पर विश्वास करके शेयर पत्रों के लिए प्रार्थना पत्र भरें तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं प्रविवरण इस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ के। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, एक कह सकते हो कि एक इंफॉर्मेशन टाइप का होता है उनके लिए जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, डिबेंचर खरीदना चाहते हैं, और उसमें आप गलत इंफॉर्मेशन दोगे और उससे जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर इन पत्र खरीदे हैं उनको कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए आप प्रवर्तक के रूप में आप ही जिम्मेदार होगे। तो इसमें आप सही चीज़ों को दिखाइए प्रविवरण में, प्रॉस्पेक्टस में गलत बातों को नहीं लिखिए। धारा 34 में प्रविवरण में किए गए असत्य वर्णन के लिए भी प्रवर्तक के विरुद्ध क्रिमिनल आपराधिक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। तो ये सेक्शन 34 की बात हो रही है। अगर आप कुछ मिसलीडिंग कुछ इंफॉर्मेशन देते हो, असत्य वर्णन करते हो तो प्रवर्तक के रूप में आपको क्या होगा, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है या केस चलाया जा सकता है। तो आपराधिक दायित्व के लिए अधिनियम 2013 की धारा 447 में प्रावधान है। धारा आपको जितने याद रहेंगे उसको याद रखिएगा। आई होप कि धारा 34, धारा 35, 27, 26 ये चीज़ें आपको याद रह सकती है। ज़्यादा डिटेल में जब आप जाते हो तो धारा भूलने लग जाते हो, तो जितना आपको याद रहेगा उतने सेक्शन को जरूर लिखिएगा, जो याद नहीं रहेगा उसको मत लिखिएगा, मगर गलत मत लिखिएगा। अगर सेक्शन याद नहीं तो मत लिखिए, नहीं लिखिए, लिखिए नहीं, और लिख रहे हैं तो सही लिखिए। तो सेक्शन 447 में लिखा गया है कि 6 महीने से 10 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है ऐसे कंडीशन, और साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है यदि कपट की रकम से कम नहीं हो। कपट की रकम मतलब जो आपने अपने अंशधारी जो खरीदे थे उनको आपने गलत असत्य वर्णन करके उनसे पैसा लिया है, तो जो कपट किया है उस रकम कपट के माध्यम जो आपने लिया है उससे तो कम नहीं होगा जुर्माना, कम से कम उतना होगा या उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी दायित्व है आपका प्रवर्तक के रूप में, कंपनी अधिनियम की धारा 300 में भी ये प्रावधान है कि कंपनी गठन के दौरान प्रवर्तक ने कुछ कपट किया है, जब वो कंपनी बना रहा था उस समय कुछ उसने गड़बड़ किया है, कपट किया है, तो सेक्शन 300 में लिखा हुआ है कंपनी एक्ट के, तो सार्वजनिक रूप से जांच के लिए दायित्व के लिए बात होगा। तो लीगल रूप से, सार्वजनिक रूप से, पब्लिक रूप से उसके खिलाफ जांच किया जा सकता है। इसके साथ साथ निर्गमन से पूर्व किए गए अनुबंधों के लिए प्रवर्तक व्यक्ति रूप से उत्तरदायी होता है। निर्गमन मतलब जो शेयर आप इशू करते हो, इशू करने से पहले जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हो शेयर्स को, उसके लिए भी आप लायबल होंगे, उत्तरदायी होंगे। और आपका डेथ हो जाने के बाद भी, प्रवर्तक का डेथ हो जाने के बाद भी उसका ये दायित्व जो है खत्म नहीं होता, क्योंकि आप एग्रीमेंट पहले ही कर चुके थे। कुछ और भी लायबिलिटीज हैं, लास्ट पॉइंट लायबिलिटीज या आप ड्यूटी भी कह सकते हो। तो गुप्त लाभ को प्रकट करने, भुगतान करने का दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ डिस्क्लोजिंग एंड पेमेंट ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट, आपको बताना पड़ेगा कि सीक्रेट प्रॉफिट ले रहे हो तो। निबंध पूर्ति तक दायित्व, लायबिलिटी अप टू कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने फिर तो पॉइंट वही पढ़ा, जब तक आपने किसी साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो पूरा नहीं कर देते तब तक आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी। और दिवालिया होने पर दायित्व, लायबिलिटी ऑन इंसॉल्वेंसी, अगर आप दिवालिया हो जाते हो प्रवर्तक के रूप में तो जो एक्ट कहता है, जो कंपनी एक्ट कहता है 2013, वहां तक आपका कोई दायित्व जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर पोर्ट खत्म होता है, जिसमें हमने प्रवर्तक के बारे में पढ़ा, उनका वैधानिक स्थिति, उसके ड्यूटीज, लायबिलिटीज,
यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये फोर्थ क्वेश्चन था जो हमने फिनिश किया है, एक प्रश्न और बचा है यूनिट वन का, उसको करके भी यूनिट वन खत्म हो जाएगा। यूनिट फोर हम यूनिट टू हम चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी बहुत क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी। हमारा जो कोचिंग है संस्थान है वो चमरा माटा में है। यू कैन ज्वाइन क्लासेस फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।